हाँ ये सच है कि मैंने एलविस को अनफॉलो किया, लेकिन इसको कैरी करने का कोई मतलब नहीं रहा। मेरे को भी स्पॉन्सर करना है भाई, मेरे को भी दे दो यार फेस वॉश, मैं भी फेस वॉश का स्पॉन्सर करूंगा भाई, प्लीज़ यार मेरे को भी दे दो यार। इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आएगा तो मैं उससे पैसा छापूंगा। तो सो गाइस कैसे हो आप सब, मेरा नाम ऋकेश, आप देख रहे हो ऋकेश वाइब चैनल। सो गाइस अभी के डेट में कुछ ऐसा सीन हो चुका है एल्विस यादव और मनीषा रानी के बीच, जो कि इन लोगों का हमेशा के ये हो गया भाई, ये दोनों आपस में कुछ भी करें लेकिन इन दोनों को लेकर पब्लिक क्या क्या रिएक्शन रहता है, मैं पागल हो चुका हूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि एल्विस को पता है एल्विस एक घमंडी इंसान है, एटीट्यूड में रहता है, ये सब मनीषा रानी ने ऐसा बोला। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है। मेरे को भी लगता है यार, क्योंकि छपरी जैसा वो चालक करता है, और अभी रिसेंट में उनको आप लोग पता है कि अभी उन लोग का चल ही रहा है मामला जो कि पुलिस वाला, और इस बीच ने मनीषा रानी ने उन पर फ़ोन करके तबाह कर दिया था इस बात कि भाई मेरा कवर फोटो चेंज कर दो यार। तो आप जो वीडियो डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे इन दोनों के बीच कोलैबोरेट किया गया था, वो एक स्पॉन्सर वीडियो था, इसमें मनीषा रानी को भी फायदा था और एल्विस को भी फायदा था। तो भाई एल्विस ने अपने साथ और अक्षय का फोटो दोनों साथ में डाल दिया था, तो भाई इसमें दोनों का तो फायदा है। फिर उसके बाद अनफॉलो और ना फॉलो करने से क्या बेनिफिट है आप लोगों का, बस आपको ये करना था कि इन दोनों करो और बीच में लड़ो और व्यू और पैसा छापो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है आप लोग, ठीक है। यही माजरा हो चुका है आज का सोशल मीडिया पे, और इनका एक मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सबसे फनी वे मेरे को ये लगा, मैं सुनाता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ये वाला शायद है, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग आप उनका वीडियो देख ले होंगे तो आपको पता भी होगा, सुनिए। भाई एल्विस भाई सच में कॉमेडियन हो यार आप, तो इतना हंसी आ रहा था इस चीज को लेके मेरे को, आप लोग बताना आपको हंसी आया था कि नहीं। भाई मेरे को भी स्पॉन्सर करो यार, मैं भी वीडियो बनाऊंगा स्पॉन्सर के नाम पे। और तो भाई यहाँ पे देख लिए आप लोग कैसा कॉमेडियन ये सब सीन चल रहा है, लेकिन इन लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं रहता, बस वीडियो के लिए ये सब करता रहता है, बाद में हाँ भाई भाईचारा एंड टॉप मनीषा रानी ऐसा वैसा, भाई कुछ नहीं होता ये सब। एक और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मनीषा रानी का रिकॉर्डिंग है। तो भाई तुम्हें किया है और कौन किया करेगा, तो आपको पता है कि एल्विस फेक करते हैं, क्योंकि उनके पापा ने एक इंटरव्यू में बोला हुआ था कि भाई मेरा सब कुछ लोन पर चलता है। पहले तो आप ये बताओ एक ही बात को आप क्यों कर रहे हैं, आप बोलने में शर्मा रही हैं या झूठ बोल रहे हैं कि बस वीडियो के लिए आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा मानो तो आप भी घमंडी हो, वो भी घमंडी है, पैसे के लिए आप लोग सब करते हो, ठीक है। और इसमें उसने क्लिक टू रेट करने के लिए अक्षय के साथ फोटो लगा भी दिया, तो आपको भी इसमें फ़ायदा ही था। चलिए मेरे को क्या, आप लोग कमेंट करके बताना, एल्विस छपरी तो है ही और मनीषा रानी क्या है, उनका भी एक नाम जोड़ दिया जाए। और आपको क्या कमेंट सेशन है प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और अपना ख्याल रखना।